नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल को स्मार्ट टीवी पे कास्ट कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ आपके मोबाइल पे चल रहा है उसको आप किस तरीके से अपने टीवी स्मार्ट टीवी पर देखेंगे। सो देखिए, मेरे पास एक सैमसंग का 40 इंच का स्मार्ट टीवी है। मैं मेरे मोबाइल को इस टीवी पे इस कास्ट करके दिखाऊंगा। इस कास्ट को मिररिंग भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपका टीवी का रिमोट है, इस टीवी के रिमोट पे देखिए एक होम बटन है, यहाँ पे होम बटन। सो सबसे पहले आपको इस होम बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप होम बटन को प्रेस करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब ये जो आगे का फॉरवर्ड का बटन जो है, ये वाला जो है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, ये जो है इस पे नेविगेट होगा। सो देखिए, अभी यूट्यूब पे हो गया, अभी प्राइम वीडियो, और जैसे ही आप मोर पे जाएंगे लास्ट में, आपको फिर से एक बार ओके जो बटन है, ये ओके बटन, इसको प्रेस करना है। अब ओके बटन को प्रेस करने के बाद आप देखिए इस तरीके से नेविगेट करेंगे। सो आपको लास्ट में एक स्क्रीन कास्ट या आपको लिखा हुआ मिररिंग कास्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस मिररिंग कास्ट या जो स्क्रीन कास्ट मिररिंग कास्ट है, इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपका जो डिवाइस है या जो आपका टीवी है उस पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, आपको जो कुछ भी करना है वो आपके मोबाइल पे करना है। आपका टीवी जो है स्क्रीन कास्ट के लिए, मिरर कास्ट के लिए रेडी है। अब देखिए, मेरे पास एक जैसे MI का मोबाइल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसका जो हम बात करें कि जो वाईफाई है और ब्लूटूथ है, उसको ऑन करना होगा। कुछ फोन्स में ये सिर्फ वाईफाई से ही कनेक्ट हो जाता है, और कुछ में आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों को ऑन करना होगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मेरा वाईफाई भी ऑन करता हूँ और मैं मेरा ब्लूटूथ भी ऑन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मेरा वाईफाई भी ऑन हो गया है और ब्लूटूथ भी ऑन हो गया। अब आपको करना क्या है, इसी ऑप्शन में देखिए, इसी ऑप्शन में देखिए, वापस मैं एक बार नीचे लेके आता हूँ स्क्रीन इस तरीके से। सो आपके पास वाईफाई और ब्लूटूथ आपका ऑन है। अब आप आगे चलेंगे तो आपको एक कास्ट से नाम से ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस कास्ट करेंगे, कई मोबाइल जो है वो इमिडिएटली जो है टीवी से कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ में आपको इसके बाद भी एक सेटिंग करनी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे कास्ट पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ टीवीज़ में तो यह ऑटोमेटिकली जो है, जैसे ही आप कास्ट पे क्लिक करेंगे, आपका मिरर कास्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे मेरा कास्ट नहीं हो पा रहा है, सो अब आपको क्या करना है, जो आपका सेटिंग, इसी के नीचे आपका सेटिंग लिखा हुआ है, इस सेटिंग पे क्लिक करना है, और आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स आएंगे। आपको इन 3 डॉट्स पे वापस आपको क्लिक करना है, और देखिए इनेबल वायरलेस डिस्प्लेज, सो इसको आपको ओके करना है, सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ देखिए स्मार्ट टीवी वायरलेस डिस्प्ले लिखा हुआ आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, कनेक्टिक लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए। अब जैसे ही मेरा टीवी जो है वो कास्ट हो गया है, अब जो कुछ भी मैं इस पर प्ले कर रहा हूँ, देखिए वो मेरा जो है टीवी के ऊपर चल रहा है। देखिए, देखिए जो कुछ भी आप यहाँ करेंगे वो आपका इस पर प्ले हो रहा है। जैसे मैं मेरे मोबाइल पे ये प्ले कर रहा हूँ, देखिए ये आपका टीवी पे भी साथ ही प्ले हो रहा है। इस तरीके से आप जो है देखिए, मैं मेरा जो ये है इस पर कैमरा ऑन करके, ये देखिए कैमरा ऑन किया है मैंने, और कैमरा ऑन करने के बाद देखिए मैं मूवमेंट दे रहा हूँ कैमरे को। सो देखिए स्क्रीन कास्ट जो है, देखिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो स्मार्ट टीवी है उसको कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपने स्मार्ट टीवी पे YouTube, Netflix आदि को जो है रन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।